तो आज मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा कि गाड़ी को कैसे चलाया जाता है, गियर वगैरह है, स्टीयरिंग है और इसके क्लच कंट्रोल है। आज मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। यदि आपने पहले गाड़ी चलाई है, यदि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या फिर आपको सीखना है अभी गाड़ी चलाना, तो ये वीडियो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में जैसे बम्पर वगैरह हैं, इसके और भी एसेसरी, रूफ रेल्स हैं, इसके अंदर मैटिंग है, इसकी सारा वीडियो बना के मैंने डाल रखा है ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये सब जो है, सो ये अर्टिगा का टॉप मॉडल है, जेड प्लस मॉडल। ये इधर पीछे बम्पर लगा रखी। तो ओके स्टार्ट कर, मैं आपको इसके बेसिक्स बता देता हूँ। क्लच है, इसका स्टीयरिंग है और इसके गियर है। ओके, स्टीयरिंग पकड़ने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे पकड़िए या फिर इसको ऐसे पकड़िए। ओके, सो अब मैं आपको गियर के बारे में बताता हूँ। तो ये इसका गियर है, इसमें पांच गियर है। तो गियर का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये जैसे न्यूट्रल में होती है, तब ये गियर हिल सकता है, ऐसे इधर उधर मूव हो सकता है। ओके, सो इसमें जैसे लिखे हुए उसी हिसाब से गियर होते हैं। जैसे अभी ये गियर न्यूट्रल में है और थर्ड और फोर्थ के बीच में रुका हुआ है। यदि आपको फर्स्ट गियर डालना है तो आप पहले क्लच दबाइए, उसके बाद गियर को इधर ले जाइए, पूरा ले जाके और फर्स्ट गियर डाल सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको सेकंड गियर डालना है, क्लच दबाइए फिर सेकंड गियर इधर। ओके, सो थर्ड गियर इस हिसाब से, यदि आप इसको न्यूट्रल कर देंगे तो अपने आप ये थर्ड और फोर्थ पे रुक जाएगा। तो आप सामने ये थर्ड डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। सो अभी फोर्थ डालते हैं गियर, इसके सामने फोर्थ है और इसके बाद इसको न्यूट्रल करके वापस फिफ्थ गियर डाल सकते हैं। ओके, सो यदि आपको रिवर्स करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये वाला इधर रिवर्स है। ओके, तो चलिए आपको क्लच के बारे में बता दूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन पेडल है यहाँ पे, ये वाला क्लच होता है और ये है ब्रेक और ये है एक्सीलेटर। सो फ्रेंड्स, कभी भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो कभी भी ये वाला पैर जो है, ये आप कभी भी ब्रेक पे ना लेके आएं। ये वाला पैर सिर्फ क्लच के लिए होता है, इससे सिर्फ क्लच ही दबाएं। सो आपका पैर हमेशा इस एक्सीलेटर से छोड़ के ऐसे ब्रेक पे आएगा, ना कि ये वाला पैर आपको ब्रेक पे लेना है। ओके, तो ऑलवेज ध्यान रखें, ये बीच वाला ब्रेक है और ये राइट साइड वाला एक्सीलेटर होता है अपना और ये वाला क्लच। सो एक और बात बता दूंगा आपको, जब कभी भी आप क्लच दबाओ तो प्लीज़ क्लच को पूरा दबाइए आगे तक, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, क्लच को आधा ही दबाते हैं और गियर डालने लगते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्लच आधा नहीं दबाना, आपको पूरा आगे तक ले जाना है इसको और फिर छोड़ना। आप पहले गियर डालिए, फर्स्ट गियर डालिए, इसको दबाइए। तो पहले आप क्लच दबाइए, उसके बाद आप गियर डाल सकते हैं फर्स्ट गियर। सो आपको धीरे धीरे इसको क्लच छोड़ना है। ओके, सो आपको पहले भी किसी ने बताया होगा कि आपको क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जैसे बाइटिंग पॉइंट आता है जहाँ पे गाड़ी चलने लगती है, वहाँ पे आप एक सेकंड के लिए आप अपना पैर रख लें उसके क्लच पे, आप क्लच पूरा ना छोड़ें। जब गाड़ी 10-20 फीट चलने लगे उसके बाद आपको पूरा क्लच धीरे धीरे छोड़ देना है, ना कि इसको पूरा क्लच एक साथ छोड़ना है। धीरे धीरे जब चलने लगे, बाइटिंग पॉइंट आए, तब आप इसको धीरे धीरे छोड़िए। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको क्लच जरूर दबाना पड़ेगा इसका। मैं आपको बता दूं, पहले यदि आप पहली बार गाड़ी चला रहे हैं तो आप प्लीज़ किसी को साथ लेके बैठें, कोई साथ हो आपके तो सही रहेगा, आप खुद गाड़ी ना चलाएं पहले दिन। तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं और चलिए आपको मैं आगे सिखाता हूँ। सो गियर के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि कैसे गियर डालते हैं। इसके बाद आप हैंड ब्रेक नीचे कीजिए और आप इसमें फर्स्ट गियर डालिए। ओके, क्लच दबाया और ये इधर इसको पूरा ले जाके इधर फर्स्ट गियर आगे, ये वाला, ये फर्स्ट गियर डल चुका है और अब क्लच को कुछ इस तरह छोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जैसे गाड़ी चलने लगी तो इसको थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाएंगे और क्लच को अभी छोड़ना नहीं है, अभी जैसे चल रही है गाड़ी उसके बाद धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे। ओके, सो दोस्तों, क्लच का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जैसे मैंने अभी आपको बताया। जैसे अभी ये सेकंड गियर डालना है तो सेकंड गियर भी कुछ इस प्रकार, जैसे ये फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर भी क्लच दबा के ये सेकंड गियर डालना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको गियर डालने और निकालने के लिए हमेशा क्लच दबाना है हर टाइम पे। यदि आप गाड़ी का गियर निकाल रहे हैं या फिर डाल रहे हैं, क्लच जरूर दबाइए। यदि आप ब्रेक मार रहे हैं गाड़ी के तो भी क्लच दबाइए आप। सो अभी गाड़ी चल रही है
तो अपन को थोड़ी गाड़ी ने स्पीड पकड़ लिया, सेकंड गियर डालना है। वैसे ही क्लच दबाया, ये सेकंड गियर इधर, ये सेकंड गियर डाल दिया और धीरे धीरे क्लच को छोड़ दिया। इस हिसाब से थर्ड गियर है, फोर्थ गियर है, इस हिसाब से डालते जाना है, बाद में ही गाड़ी चलती रहेगी आगे। ओके, सो लोग गलतियाँ क्या करते हैं शुरू वाले दिन, इसको गाड़ी को बार बार में बंद कर देते हैं, वो क्लच क्या है झटके से छोड़ देते हैं। क्लच छोड़ने से होता है ये है कि क्लच ढंग से कंट्रोल नहीं होता और गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही गाड़ी चलानी है आपको। एक बार क्लच रोक के रखना है, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है जब गाड़ी मूव करने लगे। ओके, सो पहले दिन आप ज़्यादा कुछ ना सीखें, मैं आपको बता देता हूँ, आप सिर्फ क्लच कंट्रोल सीखें और थोड़ा सा स्टीयरिंग कंट्रोल सीख लें, इतना काफ़ी है फर्स्ट डे के लिए। आप आराम से धीरे धीरे 4-5 दिन 10 दिन में सीख जाएंगे। ओके, तो आपको क्लच बार बार में आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, क्लच छोड़ के देखिए, आप फर्स्ट गियर डालिए, सेकंड गियर डालिए, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आप चलाइए गाड़ी को। और स्टीयरिंग का इसके बाद मैं आपको स्टीयरिंग का बताता हूँ। सो अब मैं आपको स्टीयरिंग का बता देता हूँ। ओके, तो स्टीयरिंग में गलतियाँ क्या करते हैं लोग कि स्टीयरिंग को जब भी वो घुमाते हैं इधर उधर तो ऐसे घुमाते हैं, ऐसे करके, या फिर इधर घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे। ओके, तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। मैं 5-6 लोगों को सिखा चुका हूँ, उसके बाद मेरे को पता चला कि जब जो सीखते हैं लोग नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो वो क्या गलतियाँ करते हैं। ओके, तो आप इस गाड़ी को कभी भी ऐसे मत कीजिए, आप इस गाड़ी को ऐसे यहाँ से पकड़िए और एक हाथ ऐसे ले जाइए, तो ऐसे कुछ ऐसे मुड़िए। ओके, यदि आपको राइट मुड़ना है तो दोनों हाथों को ऐसे पकड़िए और उसके बाद ये वाला हाथ यहाँ पे लेके आएंगे, उसके बाद ये और ये वाला ऐसे। आप कभी भी ऐसे ना करें, ऐसे करने से पूरी गाड़ी मुड़ती नहीं है और कई बार टच हो जाती है इधर उधर। सो और कई सारे फंक्शन इसमें दे रखे हैं तो वो आपको सीखने पड़ेंगे। इससे हेडलाइट ऑन हो जाती है और इससे इसको यदि अपन ऐसे ऊपर करेंगे तो इसे डीपर दिया जाता है। ओके, इसके बाद यदि बारिश नहीं हो रही है और आपको पानी से इसको शीशे को साफ करना है तो इसको ऐसे कुछ ऊपर कीजिए, इसके साथ पानी भी आएगा और ये वाइपर भी चलेंगे तो कुछ ऐसे। यदि बारिश आए तो आप इसको नीचे कर सकते हैं ऐसे, और ज़्यादा करना है तो ऐसे। ओके, सो मिरर्स को आप सेट कर लीजिए पहले, राइट वाले को, लेफ्ट वाले को और इधर इस वाले को। ओके, सो यहाँ पे इसके बटन दे रखा है, इससे फोल्ड हो जाते हैं इससे, और इसी लेफ्ट राइट वाला है, इसको आप ऐसे करके मूव कर सकते हैं कुछ ऐसे। ओके, तो ये जो क्लच वाला कंट्रोल बताया और स्टीयरिंग बताया, आपको बिल्कुल वैसे ही पकड़ना है स्टीयरिंग को और क्लच भी बिल्कुल सेम वैसे ही छोड़ना है। सो गियर के बारे में आपको बता चुका हूँ, गियर भी क्लच दबा के डालना है और क्लच दबा के निकालना है। ओके, सो गियर डालते टाइम आप कभी भी ये गलती ना करें कि आप क्लच थोड़ा अधूरा दबाएं, क्लच को पूरा दबाना है, हमेशा आगे तक बिल्कुल ऐसे आगे तक दबाना है इसको। ओके, और ये गलती तो बिल्कुल ना करें कि आप ये वाला पैर लेके आएं। ओके, तो पहले दिन के लिए इतना आपके लिए काफ़ी होगा कि आप क्लच को छोड़ना सीख लें और गियर डालना सीख लें। ओके, उसके बाद आप सेकंड डे आप उसको सेकंड गियर थर्ड गियर में ला सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आपको फोर्थ गियर फिफ्थ गियर का एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाएगा। अब मैं आपको रिवर्स गियर के बारे में बताता हूँ। रिवर्स गियर भी सेम वैसा ही, आप क्लच दबाइए और इसका रिवर्स गियर डाल दीजिए। सो ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं या फिर आप मिरर्स में भी देख सकते हैं और आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ओके, कुछ ऐसे चलाई जाती है रिवर्स में। सो इस चीज का ध्यान रखिए, जो जो आरपीएम है ये 2 से ऊपर ना जाए। ओके, सो ओके, अब थोड़ा रोड पे इसको चला के देखते हैं। सो ये फर्स्ट गियर डाला मैंने, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला, ये गाड़ी मूव हो रही है धीरे धीरे। जैसे ये गियर्स होते हैं, सो आपको गियर स्पीड के हिसाब से डालना है। जैसे फर्स्टली आप 20 की स्पीड तक आप फर्स्ट गियर काफ़ी है, लगभग 10-15 की स्पीड तक, बाद में आप सेकंड गियर चेंज कर दिए वो स्पीड के हिसाब से डालने हैं, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आप उसके हिसाब से गियर डालें। सो देखिए कुछ ऐसे मैंने क्लच दबाएगी, मैं गियर डाल रहा हूँ, जैसे अभी सेकंड गियर है, अभी मुझे थर्ड गियर डालना है तो मैं क्लच दबाऊंगा और इसको थर्ड गियर डालूंगा। तो ओके, लगभग स्पीड है 30 के आसपास इसकी स्पीड हो गई है। चलिए थोड़ा सिलेक्ट करते हैं इसको और फोर्थ गियर डालते हैं, ये हो गया अपना फोर्थ गियर। तो अभी स्पीड है कुछ 60 के लगभग, होने के बाद आप फिफ्थ गियर डाल सकते हैं और ये आराम से मूव करेंगे। ओके,
सो बहुत ही इजी वे से आप ऐसे कुछ गाड़ी सीख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है गाड़ी चलाने में, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन, ओके, तो उसके बाद आप सीख जाएंगे। हाइट थोड़ी कम है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, और इससे आप आगे पीछे कर सकते हैं, ओके। और एक और चीज़ है, इसमें जितने हाइड्रोलिक लगा हुआ है तो आप इस चीज़ को नीचे या ऊपर कर सकते हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको स्ट्रेच कर लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ कम्फर्टेबल लगे वहाँ पर। देखना चाहते हैं, यदि आप किसी को जानना चाहते हैं इसकी जो कैसे लगाया गया इनको, ये सब देखना चाहते हैं।